महाराष्ट्र से आज की बड़ी खबर। एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बेंच ने कहा फ्लोर टेस्ट कराना गैर कानूनी था, फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे खेमे के गोगा वाले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया जाना अवैध था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अब महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का मामला 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया। सीएम शिंदे ने इसे सत्य की जीत बताया। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता की जीत कहा। फडणवीस ने कहा महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जो लोग कहते थे हमारी सरकार जाएगी, आज उन्हें जवाब मिल गया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम में जरा भी नैतिकता होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे, जैसे मैंने दिया था। जिस पर पलटवार करते हुए सीएम शिंदे ने कहा उद्धव का इस्तीफा नैतिकता नहीं मजबूरी था। इनके पास बहुमत नहीं था, उन्होंने रिजाइन किया है, और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने, और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर सिक्का मोर्तक कर दिया।